हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। ठीक है, जय भारत, जय हरियाणा। तो बस मैं अभी सो के उठा हूँ, टाइम हो चुके हैं 9:30। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा दूँगा टाइम भी। और आज जो है मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, सुबह सुबह मतलब बारिश हो रखी है यहाँ पे, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा ही रहा हूँ। और एक भाई जी अभी गए हुए हैं चाय बनाने के लिए, तो देखते हैं अभी उठ के ब्रश वगैरह करके चाय वगैरह पीते हैं, तो बने रहना में से वीडियो में। आज देखते हैं आज के सुबह सुबह बारिश का मौसम का आनंद ले लेंगे, और देखते हैं दिन में भी क्या कुछ होएगा। ठीक है, तो जुड़े रहना में से वीडियो में, दिखाते हैं आपको बारिश का मौसम। तो गाइज, ये रहा बारिश का मौसम, सुबह सुबह बारिश चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई फेक नहीं है कि आप सोचते होंगे कि डेली बारिश का मौसम दिखा देता हूँ। 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो ही रही है, बस कल नहीं हुई यहाँ बारिश, बाकी उससे पहले 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है शाम के टाइम, लेकिन आज सुबह से ही बारिश चल रही है यहाँ पे। और ये लो टाइम भी देख लो आप, कभी फिर कोई झूठ बोलता हूँ। ये घड़ी जो है 20 मिनट आगे है। ठीक है, क्योंकि सबको यहाँ काम पे जाना होता है ना, तो इसलिए घड़ी जान के आगे कर रखी है। तो चलो दिखाते हैं आपको और भी आनंदमय मौसम। ठीक है, जुड़े रहना मेरे साथ वीडियो में। और ये भाई जी लेके आ चुके हैं चाय, तो आप पीते हैं सुबह की गरम गरम चाय। ठीक है, बारिश का मौसम, ऊपर से चाय, आनंद ही आनंद। तो आप भी पी लो चाय, लो सभी भाई बंधु सभी चाय पी लो। तो जुड़े रहना मेरे से वीडियो में, देखते हैं आज का दिन कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही हम उठे हैं, ठीक है, अपने बेड से। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम बनाएंगे पास्ता। तो पास्ता रखा हुआ है मैंने गैस पे, ठीक है, ये अभी पक रहा है। ठीक है, उबाल दे रहे हैं इसमें, बाकी थोड़ी देर बाद इसमें हम बनाएंगे अभी मसाला वगैरह सब इसमें तैयार करेंगे। ठीक है, अभी पास्ता बन रहा है, मतलब अभी हो चुका है, इसको 2-3 मिनट रखे हुए को, तो अब ये अच्छे से पक जाएगा ना, क्योंकि इसमें सारा आपको पता ही होता है कि मैदा होता है इसमें सारा। तो मैं थोड़ा फूड का भी थोड़ा ध्यान देता हूँ कि हेल्दी फूड खाऊँ, अनहेल्दी फूड पर कम ध्यान दूँ। बट अब भाई भी कह रहे हैं कि चलो खा लेते हैं, कोई भी हफ्ते महीने में एक दो बार खाने में कुछ नहीं जाता। ठीक है ना, डेली नहीं खाना चाहिए। बाकी अभी और है तैयार, उबलने के बाद हम बनाएंगे पास्ता और फिर आपको टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक अच्छा है, आपको टेस्ट भी करा के जाएंगे इसका, डोंट वरी। ये भाई चेक कर रहे हैं कि अभी ये प्रॉपर हो चुका है या नहीं हो चुका, क्योंकि मैदा को तो आपको पता ही है, बिना उबाले जब तक इसमें प्रॉपर तरीके से अगर ये ना पचे, मतलब ना पके, ठीक है, तो इसका फायदा नहीं है पेट में जाने के। ये खराब ही करना है अपने अपने पेट को, खराब ही करता है मैदा, जब रहता है ना अपने पेट में तो 100 बीमारियाँ होती हैं इससे। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि मैदा जितना हो सके अवॉइड करें, बहुत कम खाएं, अगर खाएं तो मतलब उसके साथ जैसे थोड़ी बहुत ही कोल्ड ड्रिंक ले लें। ठीक है, वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक को भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन उसका थोड़ी बहुत ले ले ताकि वो मैदे को अच्छे से पचा दे। ठीक है, चलो बाकी ये तो उबलता रहेगा, बाकी अब करते हैं इसकी तैयारी। बाकी मसाला वगैरह भी काट दिया है मैंने। ठीक है, ये रहा प्याज और मिर्च। ठीक है, और चलो अब देखते हैं क्या करना है, इसके बस उबलने की वेट है या अच्छे से पक जाए, फिर आपको सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना मेरे साथ वीडियो में। थैंक यू। बाकी जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। ठीक है, बाकी जो भी मेरे बंधु इसमें भाई बंधु इस पे नवे आए हैं ना, तो मेरी पुरानी वीडियो भी जरूर देखें एक बार। ठीक है, चलो तो थैंक यू आपका जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, और जो भी करेंगे दिल से धन्यवाद।
और मैं हूँ हरियाणा से, आपको पता ही है। ठीक है, आपका भाई हरियाणा से। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ठीक है, जय हरियाणा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में पास्ता बनाते टाइम। अभी ये उबलता रहेगा, इसमें तो आप क्या देखोगे, तो जब पास्ता बनाएंगे तभी दिखाएंगे आपको आगे। तो गाइज फाइनली पास्ता हो चुका है तैयार, तो अभी हम इसको खाएंगे। बाकी आप देख ही रहे होंगे, इसमें मार मसाला पूरा डाल रखा है हमने। ठीक है, गरम मसाला वगैरह और भी मसाले कहीं, जैसे किचन किंग वगैरह, सब कुछ डाल के हम बढ़िया सा बना दिया हमने, टेस्टी भी है। बाकी अभी खाएंगे और बताएंगे, तो जुड़े रहना। बाकी आप भी कमेंट करना कि मतलब कि आपको कैसा लगा। फोटो में बाकी पता लग ही रहा होगा आपको, वीडियो में इसके रंग वगैरह से। ठीक है, बाकी इसको भी प्लेट में डाल लेंगे, इसको सजाएंगे सॉस वगैरह के साथ, फिर आपको फिर दिखाएंगे। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, मिलते हैं आपको। तो गाइज ये है पास्ता जो मैं खाने लगा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसा बना है। बाकी अच्छा ही बना होगा। ये मैंने इसमें ये रखी है सॉस, टोमेटो केचप। ठीक है, चलो खाते हैं अब इसको, आप भी खा लीजिए। तो मिलते हैं अब इसके पास्ता खाने के बाद। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ ऐसी वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, जिनको भी अच्छा लगा हो, जिनको ना भी लगा वो भी कर ही देना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहना, देखते हैं आगे और क्या बनाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले सबको राम राम, जय भारत, जय हरियाणा। तो अभी हम उठ के नहा धो के तैयार हो के हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, क्योंकि सामने जो आके भाई जा रहे हैं, इनके साथ जाना है काम पे, मतलब इनके काम पे जाना है। इनके साथ थोड़ा घूम फिर आते हैं इसी बहाने, क्योंकि बस थोड़ी देर का काम है, वहाँ से कुछ सामान लेके आना है वापस ही आना है घर की तरफ। तो अभी मिलते हैं सीधा काम पे, और निश्चित से काम पे नहीं, रास्ते में दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से कैसे जा रहे हैं हम, कहाँ पे क्या काम है, रास्ता मतलब बाय बस ट्रेन जैसे भी जाएंगे, अभी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो जुड़े रहने में से इस वीडियो में। तो बाकी इतना आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू, बाकी खासकर हरियाणा वालों से, ठीक है, ताकि उनका भाई ये हरियाणा वाला, ठीक है, अपने अब्रॉड में पूरे विश्व में छा जाए। ठीक है, क्योंकि नाम तो हरियाणा का ही चलेगा ना, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा चैनल भी हरियाणवीहीन अब्रॉड के नाम से बनाया हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं इसे थोड़ा थोड़ा आगे चल के। तो थैंक यू। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं आपके स्टेशन पर। ठीक है, ट्रांसी का स्टेशन है, मतलब वो ब्रिज के पास ही है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे इससे नेक्स्ट स्टेशन पर, उसके बाद सालू। हाँ सालू, कहाँ जाना हमको? हैं, मैरी डी क्रिची जाना है। ठीक है, वो यहाँ से कौन सा स्टेशन है? यहाँ से मतलब थोड़ी दूर है, फिर भी मतलब कितनी ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी हमको? हमको यहाँ से दो ट्रेनें, मतलब यहाँ से जाएंगे उसके बाद आके हमको दो ट्रेनें चेंज करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे अपने लोकेशन पे। तो वहीं जाके मिलते हैं आपको। ठीक है, काम की जाम काम वगैरह वही करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा लोकेशन पर ही। आ चुकी दूसरी ट्रेन, बाकी ये लोकेशन तो आपने देखी होगी जब हम इस टाइम खड़े हैं। ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर हम 2B पे खड़े हैं इस टाइम। ठीक है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम पहले भी यहीं खड़े होते हैं, यहीं से हम मोस्टली जाते हैं 2B से। तो मिलते हैं थोड़ा और आगे चल के अगले स्टेशन पे, जब भी हम उतरेंगे तो मिलते हैं उसके बाद। तो बने रहना मेरे साथ ऐसी वीडियो में। और ये बैठे हैं भाई साहब जी, जिनके साथ मैं जा रहा हूँ काम पे, मतलब काम पे काम तो ये कर रहे हैं वहाँ पे, बस इन्होंने वहाँ से थोड़ा सामान लेके आना है, क्योंकि इनका जो कल का काम है वो कहीं हो रहा है।
बाकी मैं तो फिलहाल फ्री हूँ, अभी मिल नहीं रहा, थोड़ा काम की दिक्कत हो रही है। तो जैसे भी मिलेगा मैं भी आपको फिर काम पे जाके वहाँ की भी दिखाया करूँगा वीडियोस कि काम कैसे करना है कैसे नहीं। तो मिलते हैं उसके बाद, थैंक यू सो मच। तो भाई हम पहुंच चुके हैं दूसरे मेट्रो स्टेशन पर, हमने यहाँ से ट्रेन लेनी है मेट्रो 2, तो उसके बाद हम सीधा आगे स्टेशन पर जाएंगे। ये मेट्रो स्टेशन है गार्डन नोड, ठीक है, गार्डन नोड बोलते हैं इसको। उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा ही वहीं पे। तुमको जाना है स्टेशन पे जो भी आने वाला है, उसके बाद मिलते हैं आपको अपनी लोकेशन पे, अपने जहाँ भी अपने काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर जहाँ पे हमको रुकना था, अपना जो हमारी जो लास्ट स्टेशन था मेरी डे क्लीची। उसके बाद हम जा रहे हैं अपने सीधा लोकेशन की तरफ जहाँ पे हमको जाना है, ठीक है। फिर सीधा मिलते हैं आप सीधा यहाँ से मेट्रो के सीधा बाहर। भाई जी मेरे वहाँ जा चुके हैं थोड़ा आगे क्योंकि मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ था, तो चलो मिलते हैं सीधा बाहर जाके। तो बने रहना मेरे से वीडियो में, उसके बाद सीधा मिलते हैं मेट्रो पे, नहीं सीधा अपनी लोकेशन पे। तो टेक केयर, जुड़े रहना मेरे साथ वीडियो में, थैंक यू। तो भाई जी है यहाँ से एग्जिट, ठीक है, हम जा रहे हैं अब यहाँ से बाहर की तरफ। और ये मतलब आने जाने का दोनों तरफ से ही रास्ता है, इन्होंने अंदर एंट्री करनी है। बाकी आप बाहर देखते हो बाहर आती यहाँ का क्या नज़ारा है, आसपास की लोकेशन, ठीक है ना, यहाँ का व्यू बहुत ही मतलब शानदार है। हमने आसपास पास सारी बिल्डिंग ही सी बिल्डिंग है, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आसपास, आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। साइड में है, इस साइड में और सामने भी, और ऊपर वाले कैमरे में मैं कभी भी आपको दिख ही रहा होगा। तो अभी हम यहाँ से कितनी दूर है भाई, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है पैदल पैदल, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा अपनी लोकेशन पे, फिर वहाँ पे दिखाएंगे आपको कि काम मतलब काम का है। वैसे हमने सामान लेके आना है तो वहाँ के आसपास का लोकेशन भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल आप एक साइड में देख ही रहे होंगे मार्केट्स है, खाने पीने के लिए भी है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, खाने पीने का कुछ भी सामान जैसे अपने बाय करना है अपना कुछ भी, वो चीज़ें आपको मतलब मेट्रो स्टेशन के अंदर मिल जाती हैं कई स्टेशनों पे, बट वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक है। जैसे अभी रास्ते में मूंगफली वगैरह थी, उसमें वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो मिलते हैं जिदा वो पक्के सा अंदर व्यू आप देख ही रहे होंगे मेरे सामने का, है ना, बहुत औसम व्यू है ना। तो गाइस हम आ चुके हैं थोड़ा सा आगे, उसके बाद ये आसपास में ये मार्केट है, ठीक है, बस भी हैं, ये साइकिलें खड़ी हैं, ये मोस्टली डिलीवरी के लिए हैं साइकिलें जो हैं, ठीक है। ये सामने रेंज रोवर खड़ी है, ठीक है, ये सामने रेंज रोवर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो बाकी आसपास आप सामने का व्यू आप देख ही रहे होंगे, और ये रहा अपने सामने मैक्सिकन चिकन, ठीक है, जिनको चिकन वगैरह का बहुत शौक है, ठीक है। बाकी और आसपास का एरिया ये मेरे पीछे है दुकान, उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ा आगे चले। तो गाइस आज मैं जहाँ पे आया हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही हैं चारों तरफ, कहीं मर्जी कैमरा घुमा के देख सकते हो आप,
ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही हैं सारी जगह, दूर तक आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही दिखेंगी। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं कि आप छोटे छोटे मकान हैं यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम हम थोड़ा शहर की तरफ आए हुए हैं, सेक्टर की तरफ मान के चलो। जहाँ बाकी हम रहते हैं वो थोड़ा विलेज एरिया, टाउन एरिया, बाकी आप यहाँ का देख ही सकते हो आसपास की लोकेशन, आपका उसका व्यू, बिल्डिंग्स, सब कुछ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। ठीक है, ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे भाई जी काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी बंदे लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो चलो आपको लेके चलते हैं सीधा अब अंदर की तरफ। अगर पॉसिबल हो तो वीडियो जरूर बनाएंगे, दिखाएंगे आपको अंदर का भी। ये आपके सामने बिल्डिंग जहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं अब। तो गाइस हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा काम वगैरह का। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली है सब लाइट लुइट का, आप देख ही रहे होंगे ऑटोमेटिक लाइट बढ़ रही है मेरे सामने, मेरे को तो जो दिख रहा है वही दिखा रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद चलो यहाँ से मिलेंगे आप अपना सामान, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा जाते हुए। तो कहीं सामान लेने के बाद हम चल जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ठीक है, अब हम यहाँ से पियेंगे थोड़ा पानी, उसके बाद लेके चलते हैं आपको सीधा घर की तरफ। रास्ते में भी अगर कुछ कहीं रुके खाने पीने तो वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखते रहना, बने रहना मेरे साथ वीडियो में ऐसे ही। ठीक है, आपको और कुछ भी दिखाऊंगा आज, क्योंकि हम बहुत दूर आए हैं अपने घर की लोकेशन से। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको सीधा घर की तरफ। और यहाँ पे सब भाई बंधु यहाँ बैठे हुए हैं अपना कुछ खा पी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको सीधा अपने घर की तरफ। रास्ते में ये मतलब इनका डाइनिंग रूम है, इसको मान के चलो इनको ब्रेक मिलता है बीच में खाने पीने के लिए। उसके बाद हम सीधा चलते हैं रास्ते में मार्केट में, अगर हम कुछ खाए पियेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो थैंक यू, ऐसे ही बने रहना मेरे साथ वीडियो में, मिलते हैं आपको। तो गाइस वहाँ तो गाइस हम निकल चुके हैं वहाँ से जैसे आपने देखा ही होगा अभी, मैं जो वहाँ सभी बैठे हुए थे सबकी वीडियो बनाई मैंने। ठीक है, बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका चैनल मतलब क्या करते हो, जब मैंने उनको बताया यूट्यूब, तो समझे मेरे को मतलब कि गॉड ब्लेस यू कहा। ठीक है, मतलब मेरे को ऑल दी बेस्ट वगैरह सब कुछ कहा, गॉड ब्लेस यू। तो हमने वहाँ से ठीक है ये कैपेचिनो भी निकाल लिया है। ठीक है, ये आप देख ही सकते हो, और भाई भी पी रहे हैं, मतलब 40 सेंट की, मतलब 40 पैसे की, यहाँ के अकॉर्डिंग 40 पैसे। ठीक है, हमने वो निकाल के पी रहे हैं, रास्ते में जा ही रहे हैं अपने घर की तरफ। तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उन सब ने मुझे मतलब गॉड ब्लेस यू कहा, सबकी मैंने वीडियो बनाई तो बाद में सबने मतलब अच्छा रिव्यू दिया, तो मैं उनका थैंक यू करता हूँ दिल से। तो मिलते हैं थोड़ा बाकी चल के। तो गाइस हम जा रहे हैं रास्ते घर की तरफ, तो रास्ते में ये आप देख ही रहे होंगे आते हुए, ऐसे आपको दिखाया था मैंने। ठीक है, और ये देखिए टेस्ला गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, कितनी औसम है, मतलब क्या गाड़ी, मतलब जेन्युइन। और उससे आगे टेस्ला के आगे खड़ी है BMW। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो देखिए सेंट्रल एडमिशन गेस्टो, मतलब ये आई थिंक पता नहीं मेरे को भी क्या है, आप पढ़ी लो देख लेना इसका मतलब क्या बैठेगा, पता मेरे को भी नहीं है। तो उसके बाद अब हम यहाँ जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे, हम जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। अब मिलते हैं सीधा अपने मेट्रो स्टेशन, अपने स्टेशन पे डी ड्रांसी। ठीक है, तो कही सी ये है यहाँ के जो लाज छपले। ठीक है, मेट्रो स्टेशन यहाँ पे अपने इंडिया की मतलब कि भक्ति के, ठीक है, धार्मिक जैसे शिव शंभू सबकी यहाँ फोटोज लगी हुई हैं, शेरों वाली माता की मतलब पिक्चर बनाई हुई है यहाँ बकायदा। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे,
ठीक है, सबको नमन। तो गाइस अपने स्टेशन में पहुंचने के बाद हम रुके थे अपने थोड़ी देर मार्केट में, वहां पे हमने लिया है ये मिल्क, ठीक है, कोकोनट मिल्क। और जो मेरे साइड में भाई चल रहे हैं इन्होंने लिया है कोको कोला, ठीक है, दिखा दे भी सबको, ये पी रहे हैं कोको कोला और मैं पी रहा हूँ कोकोनट मिल्क, क्योंकि अपनी सेहत का ध्यान मैं बहुत रखता हूँ, ठीक है, जितनी हो सके एनर्जी चीज़ें पियो, क्योंकि सेम कॉस्ट में दोनों चीज़ें आई हैं, 1.5 यूरो की वो है और 1.5 यूरो की ये है, ठीक है। तो क्यों ना अपनी मतलब हेल्दी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जब पैसे हमने सेम ही देने हैं तो अपना हेल्दी चीज़ें पियो ना, अपनी सेहत पे ध्यान रखो। तो मैं बाकी मैं तो रखता हूँ अपनी सेहत पे पूरा ध्यान खाने पीने का, ठीक है। तो गाइस हम चलते हैं सीधा घर की तरफ और फिर देखते शाम को क्या होगा, बाकी अगर कुछ यूनिक होगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, नहीं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, टेक केयर।